जनरली हमारे बापूजी जो जेल में हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके लिए निकाली जा रही है, क्योंकि उनको इतने 11 साल हो गए जेल में हुए, और उनके ऊपर तो क्या है कि साजिश पूर्वक जो है केस बनाया गया, और वो ऐसे निर्दोष हैं, और इस कारण जो है हम उनको रिहा कराने के लिए रैली निकाल रहे हैं, और साथ में उनका स्वास्थ्य भी बहुत गंभीर रूप से वो बीमार हैं, तो उनको ना पैरोल मिल रही है और ना उनको रिहा किया जा रहा है और ना उनको जमानत मिल रही है, तो इसीलिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, रिहा नहीं तो उनको जमानत दी जाए, और जमानत नहीं दे रहे हैं तो पैरोल तो दी जाए, क्योंकि इतना अन्याय अत्याचार तो हमने अभी तक देखा नहीं है ना। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप लोग? आगे हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा पूरे देश में, उनके सारे साधक हैं वो सब करेंगे मिलके। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज ये रैली है जो हमारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू हैं, 86-87 वर्ष उनकी उम्र है भैया, और आज जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि 99% उनके जो हृदय है उनमें ब्लॉकेज हो गए हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। 11 वर्ष से वो अंदर है, उनके जो दैवी कार्य हैं 50 वर्षों से किए जा रहे हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, और उनके साथ जो है पहले तो उनके साथ जो है वो भेदभाव किया गया, फिर आज अत्याचार वाली स्थिति बन गई है, अत्याचार वाली स्थिति बन गई है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी राहत नहीं मिल रही है। इसी को हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से, हम लोग केवल सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को कम से कम कुछ तो रियायत दो भाई, मानवता के नाते ही सही, गंभीर से गंभीर अपराधियों को इतना ज़्यादा मतलब वो मानवता के नाम पे या किसी और नाम पे उनको राहत दी जाती है, हमारे गुरुदेव को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। हमारा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कम से कम मानवता के नाते ही सही थोड़ा देने की कृपा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।